कांग्रेसी पार्षद और उनके समर्थकों के विरोध के बीच रविवार को राजधानी भोपाल के किलोल पार्क क्षेत्र में रानी कमलापति की प्रतिमा का अनावरण महापौर आलोक शर्मा और बीजेपी विधायकों की मौजूदगी में किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी में रानी कमलापति की मूर्ति के अनावरण को लेकर विवाद और बढ़ता जा रहा है। विवादों के बीच महापौर आलोक शर्मा और विधायक विश्वास सारंग एवं कृष्णा गौर ने आर्च ब्रिज के पास बनी रानी कमलापति की मूर्ति का अनावरण किया, लेकिन इस कार्यक्रम में कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा, ना ही इसमें नगर निगम कमिश्नर मौजूद रहे। बीजेपी ने इसे गोंड समाज और रानी कमलापति का अपमान बताया है। संस्कृति रही है, भोपाल की एक गौरवशाली परंपरा रही है, भोपाल का 1000 साल का इतिहास है। हम इतिहास को आने वाली पीढ़ी के सामने लाना चाहते हैं। 2016 को प्रदेश के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 39 करोड़ रुपए की लागत से इस रानी कमलापति आर्च ब्रिज के भूमि पूजन किया था। आज भोपाल के लिए बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि इस शहर की गोंड शासन जो था उसकी जो महारानी थी, शहर की रानी थी, उनकी प्रतिमा का आज सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हम लोगों ने लोकार्पण अनावरण किया है। नियम प्रक्रिया के तहत अगर बात की जाए तो हम नगर निगम खुद अपने आप में एजेंसी, नगर निगम ने पूरा सब चीज़ों का ध्यान रखा है। अगर जो लोग कह रहे हैं नियम प्रक्रिया नहीं है तो वह पहले नियम प्रक्रिया पे बात उठाने वाले ये देखें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अरुण सिंह की प्रतिमा किस नियम के तहत उन्होंने लगाई है। केवल राजनीति करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि रानी कमलापति की प्रतिमा में आप लोगों ने, मंत्रियों ने हमको स्वीकृति दी कि हम मुख्य अतिथि बन के आएंगे, हम अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद ही आज ये उनके विधिवत रूप से कार्ड छपवाए गए, नाम पट्टिका के ऊपर सबके नाम लिखाए गए। हम प्रोटोकॉल का सम्मान करना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार प्रतिमा के ऊपर राजनीति करना चाहती है। अनावरण कार्यक्रम की खास बात ये थी कि इसमें कांग्रेस पार्षद गिरीश शर्मा पूरे समय मौजूद रहे। कांग्रेस पार्षद मामले का पटाक्षेप करते नजर आए। देखिए, कुछ स्थान को लेकर विवाद हो सकता है, चूँकि ये प्रोजेक्ट चल रहा है और रानी कमलापति की मूर्ति में उस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। मूर्ति का अनावरण विधिवत नगर निगम भोपाल के द्वारा किया गया था और पार्षद होने के नाते हम सबकी उपस्थिति थी और हम सबको निमंत्रित किया गया था। तो रानी कमलापति की मूर्ति यहाँ जो स्थापित की गई है, बहुत भव्य और सुंदर प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। निश्चित तौर पर ये कमला पार्क रानी कमलापति और भोपाल शहर में रानी कमलापति के नाम से जाना जाता है, तो उनकी मूर्ति की स्थापना के इस महोत्सव में, इस उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए मैं स्वयं उपस्थित हुआ। वहीं कांग्रेस की क्षेत्रीय पार्षद शबिस्ता जकी और उनके पति आसिफ जकी अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम का विरोध करने इस तर्क के साथ पहुंची कि प्रतिमा स्थल के आसपास की भूमि पर कब्जा किया गया है, ये इस क्षेत्र के रहवासियों के साथ अन्याय है। के माध्यम से छपवाया कि ये अतिक्रमणधारी है, ऐसा है वैसा है, लोगों के बारे में गलत गलत बोला, ये यहाँ की जनता के साथ इंसाफ करें, इनको इसलिए महापौर थोड़ी बनाया था कि अपनी खाली नेम प्लेट लगा के और चले जाएं यहाँ पर झूठ सच बोल के, पेपरबाजी करके, गलत बयानी देकर। इस बात का विरोध है, पूरी जनता इसलिए आई है, उनके साथ तो कार्यकर्ता मंत्री लोग हैं, ये पूरी जनता है, इनके साथ इंसाफ करें, अगर हिम्मत है महापौर के अंदर, और झूठ बोलना बंद करें, उनको शोभा नहीं देता। बता दें कि भोपाल के छोटा तालाब पर बन रहे आर्च ब्रिज के पास लगी महारानी कमलापति की मूर्ति के अनावरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जोरदार खींचतान कई दिनों से चली आ रही थी। उसी का नतीजा ये रहा कि अनावरण की तारीख तय होने के बाद आमंत्रण पत्र आपसी सहमति से बांट दिए गए, जिस पर पीसी शर्मा, जयवर्धन सिंह और भोपाल के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह सहित भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर और महापौर आलोक शर्मा व विधायकों के नाम अंकित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।